नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है जेई का। अच्छा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यह माइनस है या प्लस है या प्लस माइनस। अभी मैं प्लस के साथ कर रहा हूं, पर माइनस के लिए भी वही टेक्निक है। देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर आप ध्यान दें तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, मेंटली कर सकते हैं। इसमें आप बाय टू कर दें, बाय टू कर दें, बाय टू कर दें, बाय टू कर दें, और इसे कॉस, क्योंकि कॉट इनवर्स है तो कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, मेंटली करिए। और नीचे आप इसको लिखिए कितना, अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए ऊपर प्लस बनाया, क्या करा आपने, कॉट इनवर्स समझिए, रूट थ्री बाय टू कॉस एक्स प्लस वन बाय टू साइन एक्स, ऐसे ही यहां पर करा, क्या करा आपने, वन बाय टू, बोलिए कॉस एक्स, थोड़ा सा मैंने आपको बताया या तो ऊपर माइनस है या प्लस है, उसका एक चेंज हो सकता है, वन बाय टू कॉस एक्स माइनस रूट थ्री बाय टू साइन एक्स, राइट। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, कॉस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स अपॉन अपॉन, ध्यान रखिएगा नीचे आप इसे लिखें कॉस एक्स साइन पाई बाई सिक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई सिक्स, राइट। और इतना स्टेप नहीं लिखना है, ये केवल आपको यहीं पे मैंने समझाया। अब ध्यान रखिएगा स्क्वायर भी है तो ये कॉट इनवर्स ऐसा बनेगा। अच्छा कॉस ए माइनस बी, बी माइनस ए, एक ही बात होती है। चाहो तो आप इसे कॉस पाई बाई सिक्स माइनस एक्स और नीचे साइन पाई बाई सिक्स माइनस एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस पूरे का होल स्क्वायर है, कॉट से कॉट इनवर्स गया तो एक तरह से आपको मिल गया पाई बाई सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए पाई बाई सिक्स माइनस टू एक्स इंटू पाई बाई सिक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहां पर याद रखिएगा इक्वल टू में टू बाय दिया, ये मत भूलिएगा, ये अक्सर मिस्टेक होती है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, टू वाई टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टाइम्स ऑफ पाई बाई सिक्स प्लस ऑफ टू एक्स, टू कैंसिल, तो एक तरह से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, दिस इज द राइट आंसर। बट ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है तो ये प्लस का वाला फॉर्म बन जाता है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता। यानी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। याद रखिएगा, कोशिश करा करिए आप, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो आप पेपर पे जो लिखें तो दिमाग में रखना है कि इनके स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट का डिवाइड किया, यहां पर भी डिवाइड किया, ऊपर क्योंकि कॉट है तो ऊपर कॉस का फॉर्मूला बना लिया, नीचे साइन का बना लिया, डायरेक्टली कॉट हो गया, कॉट ए कॉस ए माइनस बी, बी माइनस ए, एक ही बात होती है क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस, नीचे ये बन गया साइन पाई बाई सिक्स, आपको मिला एक तरह से पाई बाई सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको डी वाई बाई डी एक्स बोला, बस इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहां पर टू वाई दिया हुआ था तो वो नहीं भूलना आपको, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके अलावा आप चाहते तो इस क्वेश्चन में एक काम और कर सकते थे कि इसको 10 के फॉर्म में भी बना सकते थे, जैसे अगर ये रूट थ्री बाई टू दिया था, राइट, यहां पर ऐसा दिया हुआ था, आप अगर ऊपर नीचे कॉस का डिवाइड कर देते तो कुछ स्क्वायर बाद में लिखना है, स्टेप्स कम से कम लिखनी है, स्क्वायर हम बाद में कर लेंगे, तो ये ऐसा बन जाता, अगर कॉस का डिवाइड करते तो आपको मिलता रूट थ्री प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस रूट थ्री टेन एक्स इसका होल स्क्वायर, ऐसा मिल जाता। और आप चाहते तो आप इसे लिख सकते थे टेन पाई बाई सिक्स, और इसे भी लिख सकते थे टेन पाई बाई सिक्स, ये भी एक तरीका हो सकता था। तो ये ऐसा बन जाता कुछ, कॉट इनवर्स टेन पाई बाई सिक्स प्लस एक्स, बट रिमेंबर ये कॉट है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसे आप ऐसा लिख सकते थे क्योंकि टेन के टर्म में जाना है तो इसको पाई बाई टू माइनस कर लीजिए, राइट। अच्छा ये रूट थ्री है तो याद रखिएगा पाई बाई थ्री होगा, सॉरी पाई बाई थ्री, तो ये पाई बाई थ्री। तो अब आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, कॉट इनवर्स चाहे तो टेन, बोलिए इसको ऐसा लिख लेते आप, कॉट पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री प्लस एक्स, ये भी एक तरीका हो सकता था। और इसको अगर ऐसा करते तो देखिए आपको कॉट से कॉट कैंसिल, यहां पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री यानी पाई बाई सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और देन डिफरेंशिएट कर लेते, यानी डिपेंड ऑन कि जिस समय जो क्लिक कर जाए आप उस स्टेप से इसको बहुत इजीली कर सकते थे। क्लियर है बात, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, इंटीग्रल का क्वेश्चन है, साइन फाइव एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू। आप में से कोई भी उलझ सकता है, पर याद रखिएगा यहां एक्स बाय टू है, यहां पर फाइव एक्स बाय टू है, आंसर एक्स और टू एक्स के टर्म में। देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें इसको रिमूव करना है, तो इसका एक तरीका ये हो सकता है साइन एक्स बाय टू है, एक काम ये करते हैं कि कॉस एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ओके। अब देखिए टू साइन ए साइन बी,
सॉरी टू साइन ए कॉस बी, जितने ज्यादा फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, टू साइन ए कॉस बी, दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और नीचे तो हाफ एंगल फॉर्मूला है, टू साइन ए कॉस ए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो, हर चीज पढ़ाई हुई आई है। मैं आपको पहले दिन से बोलता रहा था कि आप बहुत इजीली करिए, तो साइन ए प्लस बी तो साइन थ्री एक्स हो गया, प्लस साइन ए माइनस बी तो फाइव माइनस एक्स साइन टू एक्स हो गया, अपॉन ये मिला साइन एक्स, राइट। अब सिंपल हो गया, अब देखिए इसको लिखेंगे थ्री साइन, आपको पता है इसमें से एक साइन एक्स इसके साथ आप अलग अलग लिखोगे, लॉजिकली ऐसा करोगे कि थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, और जब आप साइन एक्स का डिवाइड करेंगे तो अब आपके हाथ में मेंटली करना है, यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल तो थ्री एक्स आ जाएगा इसका इंटीग्रल, राइट। यहां पर साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया थ्री एक्स, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस ऑफ फोर साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा इसका भी एक इंटीग्रल होगा जिसके वजह से इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, प्लस ऑफ, अब इसका इंटीग्रल बचा इसलिए मैंने बना दिया, प्लस ऑफ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल टू कॉस एक्स बचा, तो कॉस एक्स का होगा साइन एक्स, तो टू ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ सी, राइट, टू ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ सी। अब देखिए फोर साइन स्क्वायर एक्स है, आपको पता है टू टाइम्स ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस 2x by 1 minus cos 2x, तो ये मिल गया एक तरह से, इसका इंटीग्रल जब करेंगे 2 times 1 minus cos 2x dx तो आपको मिलेगा कितना, देखिए 2x minus 2 times of sin 2x upon 2, अब इंपॉर्टेंट बात 3x में से 2x ऐसा आया, देखिए 3x minus 2x minus minus plus हो जाएगा, plus of sin 2x plus 2 sin x plus of c, आंसर मिल गया, देखिए x plus sin 2x प्लस टू साइन एक्स प्लस ऑफ सी, चेक करिए एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस ऑफ सी, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। क्या करा आपने, फिर एक बात समझिए कि सबसे पहले ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन में बाय वाले नहीं थे, पी बाय क्यू वाले, तो आपने केवल इसमें एक सिंपल एक्स बाय टू था, कॉस एक्स बाय टू का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, टू साइन ए कॉस बी का न्यूमरेटर में फॉर्मूला यूज किया, टू साइन ए कॉस ए का डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज किया, ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन दिस, इसको अलग अलग लिखा एंड डिवाइड करके कर लिया, जिस स्टेप पे लगता आंसर आ गया जैसे 3x, अब इसको आपने अलग से ब्रेक कर दिया, कौन सा फॉर्मूला लगा के 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, और वो 4 था आगे इसलिए एक 2 और आ गया, यहां पर ऐसा था, ये बस ध्यान रखिएगा जब भी आप करें कितनी भी स्पीड में करें कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, अगर कहीं लग रहा हो रही है तो स्टेप्स लिख लें वो ज्यादा अच्छा होगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए क्या है, a इक्वल टू कॉस अल्फा, ये क्वेश्चन क्लास में क्या हुआ है, माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन a पावर 32, अब ध्यान दीजिए यहां पर 0 0 है, यहां पर माइनस 1 प्लस 1 है, इसका मतलब अगर ये 0 है ये 0 है ये माइनस 1 है 1 है, यानी अगर यहां पे पाई बाई 2 लिख दूं मैं अल्फा के प्लेस पर, अगर अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 2 लिख दूं तो ये रिजल्ट आ सकता है, बट अब ध्यान देने वाली बात है यहां पर 32 है, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन कई बार किए कि ये 32 है तो यानी यहां 32 बनना चाहिए, तो 32 अगर मान लो बनता है, थोड़ा लॉजिक से सोचिए, तो 32 को पाई बाई 2 लाने के लिए पाई बाई 64 होना चाहिए, देन दिस इज द राइट आंसर, पाई बाई 4 इज द राइट आंसर। देखिए पाई बाई 32 रखते आप तो यहां पाई बच जाता जो कि कॉस पाई माइनस 1 होता है, ये नहीं होगा, यानी आप थोड़ा सा लॉजिकल, मैंने आपको तरीके बताए थे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स लॉजिक्स क्लियर होना चाहिए, जब लॉजिक्स क्लियर होते हैं तो ट्रिक्स अपने आप समझ में आने लगती है, आप इसको आप करते तो देखिए क्या होता, अगर मेथड से करते, चलो ये क्लिक नहीं करता तो भी कोई टफ नहीं है, ए इंटू ए करते आपको अपने आप ही समझ में आ जाता कि क्या हम करते, पर स्टेप लिखी यानी हमारा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम तो जाएगा ही, साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन दिस इज, देखिए इसका इसके साथ किया कॉस का अल्फा माइनस साइन का अल्फा कॉस टू अल्फा बना, इसका करिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन टू अल्फा बना, साइन अल्फा ये साइन टू अल्फा बन गया, माइनस साइन ये देखिए कॉस टू अल्फा, तो टू में टू बना, तो इसका मतलब लॉजिकली 32 में 32 बना होगा, माइनस साइन 32 अल्फा अपॉन साइन 32 अल्फा कॉस 32 अल्फा। अब देखिए अल्फा के प्लेस पे अगर आप यहां पूरा पाई बाई 2 आना चाहिए यानी पाई बाई 64 रख देंगे तो करेक्ट आंसर जाएगा, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 एंड y इक्वल टू x, ओके, अगर आप ध्यान दें तो ये पैराबोलिक कर्व है, इसका वर्टेक्स है 2, 0, कुछ ऐसा कर्व होगा 2, 0 दिख ही रहा है,
ये हो गया 2.0 और ये लाइन हो गई y इक्वल टू x की। अब इस पर कोई ऐसा पॉइंट होगा कहीं पर भी जिससे इसका और इसका डिस्टेंस लीस्ट आए, ये बोला है राइट। लीस्ट डिस्टेंस पूछा है तो कर्व पर आपको कोई पॉइंट लेना होगा। अब इस कर्व पर तो आपको पता है y इक्वल टू x है, कोई प्रॉब्लम नहीं x और y, बट इससे ही डिस्टेंस निकालना तो इस कर्व पर क्या पॉइंट लें। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू कितना है x माइनस टू। तो अगर एक पॉइंट थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक पॉइंट मान लीजिए y है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y स्क्वायर प्लस टू, ऐसा भी बोल सकते हैं। चाहो तो आप एक x को बोल दो अल्फा, तो x की जगह अल्फा रख दिया तो अल्फा माइनस टू, y की जगह बीटा रख दिया तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई। एक ही टर्म में निकालना है, एक ही टर्म में निकालना है तो उसका फायदा ही होगा जैसे आपने कहा अल्फा और बीटा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ऐसा लिखोगे आप बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस टू राइट। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बीटा, मतलब ये आ गया अल्फा इक्वल टू कितना बीटा स्क्वायर प्लस टू, तो यहां पर आप बीटा स्क्वायर प्लस टू भी लिख सकते थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो वाई स्क्वायर प्लस टू और वाई भी लिखा रहने देंगे तो चलेगा, या आप ऐसा लिखते तो ये भी एक तरीका हो सकता था। एक पॉइंट हो गया बीटा स्क्वायर प्लस टू और एक हो गया बीटा। अब उस पर इस पॉइंट पर इस लाइन पर x माइनस y इक्वल टू जीरो पर परपेंडिकुलर डालना, या y माइनस x पे किसी पे भी। अगर मैं इस पे आपसे बोलूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो आप यही लिखते हैं ना y स्क्वायर प्लस टू माइनस ऑफ y अपॉन रूट टू, ये आ गया। अब ये डिस्टेंस बोला है, अब डिस्टेंस मिनिमम बोला है तो ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है फॉर मैक्स मिनिमा, एक स्टेप में हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन अलग से करोगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय टू, वाई की वैल्यू 1 बाय टू यहां रख दो तो डिस्टेंस मिल जाएगा 1 बाय फोर प्लस ऑफ टू माइनस 1 बाय टू अपॉन ऑफ रूट राइट, ये मिल गया। अब देखिए अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लें तो 4, तो 1 प्लस 8 माइनस ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 2 कितना आ गया। देखिए आपने एलसीएम लिया तो 4 आ गया, तो 1 प्लस 8 माइनस ऑफ 2, क्लियर है बात। अब अगर आप इसको देखें तो कितना आ गया 97 बाय 4 रूट 2, यानी 7 बाय 4 रूट 2 का मतलब हो गया लेस देन 2, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो क्विक रिविजन करवाया था उसमें मैंने स्पेशली बोला था एनसीआर एनपीआर में कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप फंडामेंटल प्रिंसिपल से करो। देखो वही क्वेश्चन आया, हाउ मेनी नाइन डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, सब कुछ क्विक रिवीजन वाले पोर्शन का ये, नाइन डिजिट नंबर 11222223444 सच दैट द ऑड नंबर ऑकर एट इवन प्लेस, मतलब जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर कितने हैं 1 2 3, ये इवन प्लेस पे आए बाकी ये ऑड प्लेस पे आ सकते हैं। पहले आप बताइए नाइन डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बोला है ऑड नंबर ऑकर एट इवन प्लेस, इवन प्लेस एक ये है, एक इवन प्लेस ये है, एक इवन प्लेस ये है, एक इवन प्लेस सॉरी एक इवन प्लेस ये है। सबसे पहले हमारे पास इन फोर प्लेस पर इन नंबर को अरेंज करना है, कौन से नंबर 3 हैं, ध्यान रखिएगा क्या क्या नंबर है 1 1 3। अब यहां पर ऐसा सोच सकते हैं कि हम फोर प्लेस है हमारे पास, फोर में से 3 प्लेस ले लें तो 4c3, और इन 3 नंबर को अरेंज करने के हाउ मेनी वेज, फैक्टुअल 3 रिपीट हो रहा है 1 1 डिवाइडेड बाय फैक्टुअल 2, ये मत भूलिएगा। अब बचे कितने प्लेस 1 2 3 4 5, नंबर भी कितने बचे, नंबर भी हमारे पास 5 ही होंगे, 1 नहीं एक प्लेस यहां का बच जाएगा, ओवरऑल 6 प्लेस होंगे, तो नंबर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 नंबर को अरेंज करने के हाउ मेनी वेज, फैक्टुअल 6 जो रिपीट हो रहा है उनका डिवाइड कर देंगे 2 4 times डिवाइडेड बाय 4, 4 2 times डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि हमें केवल ये बोला है कि ऑड नंबर जो है वो इवन प्लेस पर आए, बाकी इवन नंबर कहीं पे भी आ सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, 4c3 इज 4, ये हो गया 3, ये हो गया 6 5 अपॉन 2 राइट, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया आपने, अब कितना हो गया ये 10 और ये 18, तो 180 इज अ राइट आंसर। देखिए कितने फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन आए, जनवरी से भी कंपेयर करें तो इस पेपर को तो मैं बोलूंगा ज्यादा इजी था, क्लियर है बात। आपने पहले इवन प्लेस पर ऑड नंबर को अरेंज कर दिया, जो मैंने तरीका बताया था, इवन प्लेस 4 थे नंबर 3 से, तो पहले 4 में से 3 सिलेक्ट करें एंड देन अरेंज, डिवाइड किस लिए करा, नंबर रिपीट हो रहे थे,
बचे हुए छह प्लेस पर आपने 2-2-2 और 4-4 को अरेंज कर दिया। क्लियर है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ए 0-0, बी 0-1 एंड सी एक्स वाई एंड पेरीमीटर इज 4, देन द लोकस ऑफ सी। इस क्वेश्चन को समझे तो काफी इजी क्वेश्चन है, चाहो तो रियल डायग्राम भी बना सकते हो। देखो ये 0-0 हो गया जिसे ए बोला है ओ की जगह, ये हो गया बी जिसे 0-1 बोला है, और ये हो गया सी जिसे हम नॉर्मली पी बोलते हैं जिसका हम लोकस निकालना है। सिंपल सा लॉजिक है, सी का लोकस निकालना है। ये डिस्टेंस कितना है 1, अगर दोनों का डिस्टेंस निकाले ओवरऑल डिस्टेंस कितना है 4। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो डिस्टेंस होगा ए से सी का और बी से सी का, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं सी ए प्लस सी बी इक्वल टू 3 बाय, बिकॉज ये 1 हो गया तो बचा हुआ दो डिस्टेंस पेरीमीटर से 3 हो गया। सी ए और सी बी मतलब हो गया, ऐसा भी बोल सकते हो सी ए इक्वल टू 3 माइनस सी बी, एंड दिस इज यूज फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फॉर्मूला। सी ए मतलब होगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस, इधर वाली तरफ पे ये वाला ले लो आप चाहो तो सी बी, जिससे थोड़ी जहां पे भी कैलकुलेशन की एक स्टेप बचती है ना, मैं बोलूंगा हमेशा याद रखो। अब आप ऐसा लिखोगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगेन कैंसिल। अब आपके पास जो जो रिजल्ट बचा है वो एक तरफ ले लेते हैं, माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 6 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑब्वियसली एक बार और स्क्वायरिंग करेंगे, पर माइनस 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं फाइनली यहां पर जाके y प्लस 4 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने 2 कॉमन ले लिया। अब स्क्वायरिंग करिए, वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 16 इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। फाइनली आपको लोकस मिला 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्म में आंसर दिया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट लगा हुआ था कि पैरामीटर का, कई बार ही क्लिक नहीं करता, पर ध्यान रखो दो पॉइंट का डिस्टेंस पता था तो बचे हुए दो डिस्टेंस आपने निकाल लिए। नोट कर लीजिए।